दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वरना डीजल इंजन है। इसमें आज हम आपको दिखाएंगे, ये जो हाई प्रेशर पंप आपको दिख रहा है, ये नॉर्मली बहुत सारा ऐसा कंसर्न आता है कि हाई प्रेशर पंप का अगर प्रॉब्लम होता है तो इसको खोलने के लिए पूरा इंजन कभी कभी लोग उतार देते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हाई प्रेशर पंप को सावल ओवल लगा के उसको मतलब हथौड़ी से पीटा जाता है। लेकिन नॉर्मल आज हम आपको वो प्रोसेस दिखाएंगे जो बहुत ही आसानी से आप बस बहुत इजीली इसको कर सकेंगे। तो वीडियो को मैं फालतू बड़ा नहीं करना चाहता, इसलिए देखिए यहाँ पे जो माउंटिंग वगैरह है इसको मैंने खोल दिया, और यहाँ का जो कनेक्शन था हाई प्रेशर पंप का, वो थोड़ा बहुत कनेक्टर हमने पहले से ही ये हटा के रखा है ताकि वीडियो छोटा हो। अब हम आपको बस दिखाएंगे कि ये हाई प्रेशर पंप में, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक बोल्ट लगा हुआ है 12 नंबर। ऐसा ही 12 नंबर बोल्ट आपको ठीक हाई प्रेशर पंप के 3 साइड में मिलेगा। एक तो आपको यहाँ पर है, दूसरा आपको ये पीछे वाला साइड में है, और तीसरा एक आपका एकदम बिल्कुल नीचे है हाई प्रेशर पंप के, ये वाला जो बोल्ट दिख रहा है, ये वाला बोल्ट है। तो मेनली बात ये है कि हाई प्रेशर पंप में पीछे से आपका 3 बोल्ट लगा हुआ रहता है, और आगे में सिर्फ आपका ये एक कवर रहता है। यहाँ पे देखिए जो एलन की वाला दिखा रहा है, ये एलन की, इसको खोलना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं जुगाड़ टूल्स बनाया हूँ ताकि आप भी ऐसा बना सके। इस टूल्स से आप अगर इसको यहाँ पे डाल के बहुत ही आसानी से इसको रिंग रेंज देके आप खोल सकते हैं, और इसके बाद इसके अंदर में हाई प्रेशर पंप का मेन जो नट रहता है वो नट होगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसा प्रोसेस है जिससे आप बड़ी आसानी से इसको खोल सकते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग ये हाई प्रेशर ओपनर जो टूल्स है इसका यूज़ करेंगे। तो लगाने से पहले मैं आपको इसका जो काम है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए थ्रेड बना हुआ है, जैसा कि आपका अंदर का जो हाई प्रेशर पंप का पुली है उसमें भी थ्रेड बना हुआ है, उसमें ये लग जाएगा। और जैसे ही ये लग जाएगा, उसके बाद ये पीछे का जो पैचकस है इसको जैसे ही हम टाइट करेंगे तो पीछे से आपका पंप निकल आएगा। अभी देखिए, अगर मैं इसको लगा दिया और इसके बाद जैसे ही हम इसको टाइट करेंगे तो ये धीरे धीरे करके बाहर आता रहेगा, और आपका पंप जो है वो पंप शैफ्ट को प्रेस करता रहेगा, धीरे धीरे आपका जो पंप है वो बाहर चला आएगा। ये बहुत ही आसान प्रोसेस है। अभी इसको हम कैसे यूज़ करेंगे ये हम आपको दिखाते हैं। पहले इसको हम पूरा ज़ीरो कर देंगे, ये अगर आपका क्रॉस थ्रेड में बैठ जाएगा तो अंदर का पुली का जो थ्रेड है वो ख़राब कर सकता है। तो इसको लगाते वक्त थोड़ा ध्यान से, ये बिल्कुल इजी पहले जाएगा, फिर जाके आपको टाइट करना पड़ेगा। क्या ये एसी का पाइप वाइप में लग जाता है, तो आपको धीरे धीरे इसको अंदर तक देना है और इसको थोड़ा लूज करना है पहले।
अभी लगभग मेरा ये टाइट हो गया है। अभी ये पूरा टाइट है। अब बस हम इसको रेंच से पहले हाथ से इसको पूरा एडजस्टिंग फिक्स कर देंगे, उसके बाद जैसे ही रेंच से टाइट करेंगे तो पीछे से कैसे हाई प्रेशर पंप बाहर आता है वो हम आपको दिखाते हैं। अभी ये मेरा हाथ से पूरा फिट है। अभी देखिए जो पंप है वो पीछे से आपका धीरे धीरे करके बाहर आएगा। ये पैचकस को आपको थोड़ा थोड़ा करके टाइट देना है और यहाँ पे देखिए जो पंप है वो धीरे धीरे करके बाहर चला आएगा। ये गैप बन रहा है। जो तीन बोल्ट मैं आपको ठीक से दिखा नहीं पाया वो तीन बोल्ट दोस्तों, ये आपका देखिए एक यहाँ पर रहता है, यहाँ पे एक बोल्ट रहता है और ठीक इसके नीचे यहाँ पे एक बोल्ट रहता है। तो ये तीनों बोल्ट को आपको खोलने में ऊपर वाला बोल्ट तो दिख जाता है लेकिन नीचे वाला जो दोनों बोल्ट है वो सही से दिखता नहीं है, तो इसलिए दिक्कत होता है। और अभी मेरा हाई प्रेशर पंप जो है वो बिल्कुल गाड़ी से बाहर है। ये इसका जो स्पॉकेट है मतलब बस लास्ट में और एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपके पास इस तरह का टूल्स है और कभी कभी लोग डाउट में आ जाता है कि ये अगर टूल्स आप खोल देते हैं, मान लीजिए कि आपके साथ एक साथ में दो तीन गाड़ी आ गया या ये यूज़ करने के बाद दूसरा कोई गाड़ी आ गया तो उस कंडीशन में क्या है ये खोलना सही रहेगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको अगर आप खोल भी देते आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। बस एक चीज़ थोड़ा सा बस आपको ये ध्यान में रखना है, वैसे प्रॉब्लम नहीं होता है लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए गाड़ी को गियर में देखें, आगे पीछे मत करने का।